जिस चार धाम राजमार्ग परियोजना का काम वर्ष 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वे कानूनी पचड़े में फंसे रहने के चलते वर्ष 2022 तक भी पूरा हो जाए तो गनीमत है। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष नई चुनौती खड़ी हो गई है। चारधाम सड़क परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के दिशा निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसमें चीन से जुड़ा सीमा क्षेत्र भी है, ऐसे में सेना के वाहन भी जाएंगे तो सड़क की चौड़ाई 5 मीटर की जगह 7 मीटर रखने की मंजूरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के सर्कुलर के मुताबिक चले। 2018 के सर्कुलर में रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर अधिकतम रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार धाम निर्माण के कारण वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए पौधारोपण करने का भी निर्देश दिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है। अभी तक 400 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 25,000 पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिससे पर्यावरणविद भी नाराज हैं। चार धाम परियोजना का मकसद सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी।